किस्मत के फैसला लिखल जा रहा बा बड़की माई और दोनों कप्तान के हाथ से। आज बच्चा बच्चा मंच से जुड़ के अपने प्रतिभा के देहल चाहत बा एगो नया आयाम और मंच आज कुछ नया कलाकारन के भी मौका देले बा। तो यही कड़ी में अब हम बुला रहा बानी एगो नया कलाकार जोने मंच से जुड़े जा रहा बानन और उनका नाम है मैक्स दिल्ली से। नमस्कार, मैं विपिन दिल्ली से। वाइल्ड कार्ड के थ्रू डांस संग्राम में मेरी एंट्री हुई। मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा डांसर हूँ और मैं जजेस का दिल जीतना चाहता हूँ। हमको नहीं कुछ समझ, जरा समझना। मैक्स बाबू, बहुत बहुत स्वागत बाटे आपके महासंग्राम के महामंच पे। धन्यवाद। संभावना जी, कैसा लागल आपके इनका परफॉर्मेंस? मैं दिनेश, इनको पहले नंबर देना चाहूंगी, उसके बाद बात करूंगी। नंबर वे दे दी पहले? मैं इनको देती हूँ 40। 40 में 40। मैक्स, सुपर फिनिशिंग, सुपर डांस, एटीट्यूड आपका कमाल का था। फर्स्ट टाइम आए हैं और उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस, इतना ऊज आउट हो रहा था इनका कॉन्फिडेंस कि ये कह रहे थे कि बॉस तुम लोग हो क्या, मैं ही हूं इधर। तो वो वाला जो एटीट्यूड था ना, वो सुपर लगा। एंड ऑब्वियसली ब्रिलियंट परफॉर्मर यार, उसके बाद तो कोई बात ही नहीं रह जाती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैक्स, तुम्हारा परफॉर्मेंस देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम में हमारे अविनाश और दीपू की पोटेंशियल है। मतलब आपको देखकर थोड़ा सा उनकी थोड़ी सी हिलने वाली है, पैर उसके से जाने वाले हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस मुझे आप में दिखा कि आप उनको हिला सकते हो। बिकॉज अब तक तो वो शेर बने बैठे हुए हैं, अब आपसे मिलकर उन्हें पता चलेगा कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। एवरीथिंग इज सुपर्ब। यू आर द ओनली वन अभी टिल नाउ जो हमारे उन दो बेहतरीन डांसर्स को कॉम्पिटिशन दे सकते हो बिग टाइम। थैंक यू मैम। नंबर बता दें? नंबर मैं देती हूँ 40। 40 में 40। दोनों कप्तान तोहरा के दे देने 40 में 40। मैक्स बाबू, अब चले के हमनी के बड़की माई के लगे। बड़की माई, सुपर परफॉर्मेंस। थैंक यू मैम। यू कैन कॉल योरसेल्फ अ डांसर,
a really good dancer. Thank you, ma'am. You dance with your heart. Attitude to samjhe, lekin jo dil se naache wo dikhta hai. You are superb. Baki aap kitna competition denge wo to ye akhada hai malum ho jayega. But you deserve what they have given you. Thank you, ma'am. बड़की माई के भी तू जीत लेला दिल. बड़की माई जो नंबर दी है वो हम बताई बाद में. अभी हम चाहब कि आप अपन स्थान ग्रहण करा. एक बात ध्यान रहे कि जे बनिए मंच के महाविजेता हो करा के मिली से साइए को शानदार बाइक. मैक्स संभावना जी, श्वेता जी और बड़की माई के दिल जीत ले ले हैं. और आवे वाला जो धुरंधर बाड़ी उनका बारे में बता दें कि वो यहाँ छोटा पॉकेट बड़ा धमाका के नाम से उनके जानल जात रहे. जी हाँ, अंजलि मिश्रा. इतनी आसानी से हार माने वाला ना है हम. हमारी छोटी सी चूक के कारण हम हो गई शो से बाहर. हमरा के फिर मिलल बा एक मौका अपन जोश और जुनून दिखावे खातिर. तो रउआ लोग तैयार हो जाई. हम फिर से आ रहल बानी नहर रोड पटना से, अंजलि मिश्रा. अंजलि, एगो छोट सा गलती खातिर के तोके यहाँ से जाए के पड़ल रहे. आज हमनी के ये जाने के बाटे कि वो गलती के तू फिर दोहरौलू है कि वो गलती के सुधार के आइल बाटू. तो जाने खातिर हमनी के चलल जाई श्वेता जी के लगे. श्वेता जी, फिर वही गलती दोहराई अंजलि. आप फिर बीच से थोड़ा भागती हैं. यू स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द बीट अगला पकड़ने के लिए. कितना नंबर देनी है आप? मैं अंजलि को दूंगी 38. अड़तीस नंबर अंजलि तोहरा के मिल गल. 38 नंबर श्वेता जी की तरफ से. और अब तू देख रहा हो अपने भूतपूर्व कप्तान के तरफ. डांसर आप अच्छी हैं, एक्सप्रेशंस बहुत प्यारे देखती हैं. आपको छोटा पैकेट बड़ा धमाका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि आप उसमें जोश एनर्जी सब डाल देती हैं. लेकिन उसके साथ साथ एक डांसर का बहुत बड़ा काम है कि वो बीट से आगे नहीं भागे या बीट्स छोड़ के नहीं भागे. सो आई होप कि आप ये दिमाग में रख के चलें. कितना नंबर देनी है संभावना जी अंजलि के? मैं अंजलि को दूंगी 37. 37 नंबर अंजलि. अब चला बड़की माई के लगे. बड़की माई, क्या होता है तुमको सुनाई कम देता है क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैम जोश आया. जोश आने की वजह से होश खो बैठती है. जोश आने की वजह से थोड़ी रिदम बढ़ा देना चाहिए. ऐसा होता तो म्यूजिक डायरेक्टर खुद ही बढ़ा देता. सॉरी
सॉरी अंजलि, ये रिदम का कंपटीशन है, ये डांस का कंपटीशन है, इसमें आधा आप अच्छा करें आधा बुरा करें नहीं चलता। दोनों कप्तान के नंबर तो जान चुका लहु, बड़की माई के नंबर भी पता चली और अब हम चाहब कि अपन स्थान ग्रहण करा। सात योद्धा का जुनून रहुआ सबे देख लेनी, अभी बचल हुआ चार योद्धा। तो हमार चाची चाचा भैया भौजी काकी काका केहू कहीं जाई मत, कहे कि आपो लोग के अनुमान लगावे के बा कि आज 11 योद्धा में से कौन 3 गो योद्धा हो जो ना आज मंच के छोड़ के जाई है। काहे कि वो हर सपना जोना में बसेला प्राण, वो हर सपना जोन भरेला उड़ान, वो हर सपना जोन होखेला चट्टान, ओकर आखिरी मंजिल है टांग संग्राम। आज 11 योद्धा के फिर से मौका मिलल बाटे अपन दमखम दिखावे खातिर के, लेकिन एमे से खाली 8 योद्धा के मौका मिली दूसर का चरण में जा करके और ए संग्राम के लड़े खातिर के। काहे कि मात्र ओह में से 4 गो योद्धा के मौका मिली संभावना जी और श्वेता जी के टीम में शामिल होके खातिर। ताई हम अपना अगला धुरंधर के बुलाई और यूपी बिहार हो जाए तैयार, काहे कि हम जेकरा के बुलावे जाता नहीं वो पटना बिहार से आ रहल बाड़ी खुशबू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम खुशबू है और मैं पटना बिहार से आई हूँ। मुझे वाइल्ड कार्ड के थ्रू एक मौका मिल रहा है इतने बड़े शो में आने का। मेरी सबसे बड़ी खुशी ये है कि मुझे मास्टर जी के सामने एक मौका मिल रहा है परफॉर्म करने का, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ, बस आगे देखना है क्या होता है। श्वेता जी कैसन लागल है खुशबू के ही रंग? आपके स्टेप्स पॉलिश्ड नहीं हैं, बहुत थोड़े मेसी लगते हैं टाइम्स, बिखर जाता है आपका एक्ट, और कहीं कहीं तो इतना खूबसूरत लगता है कि वाह क्या कर गई, और कहीं कहीं यू जस्ट आप जाने देती हैं पूरा स्टेप। कितना नंबर देनी है? मैं खुशबू को दूंगी 34। 34 नंबर मिलल है खुशबू तो के। आई होप आपको नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिले तो आप इसे बेटर परफॉर्म करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। संभावना जी अपन नंबर बता दीजिए जो आपके झोली से निकल रहा खुशबू खाती। मैं खुशबू को देना चाहूंगी 33 नंबर। 33 नंबर। बल्कि माई रुआ बताई आपके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मेहनत बहुत की है वो दिखता है, और आप कंप्लीट करती हैं मूवमेंट्स, जैसे 4 है तो 4 ही करती हैं और रिदम भी नहीं छोड़ती, ये एक प्लस पॉइंट है तुम्हारे में, और एक्सपीरियंस से और अच्छा हो सकता है। थैंक यू मैम। अब हम बुलाइब अपना अगला धुरंधर के और खुशबू हम चाहब कि आप अपन स्थान ग्रहण करा। और अब हम जो ना धुरंधर के बुलावे जा रहल वाणी वो गंगा जमुनी सभ्यता के प्रतीक बाबा भोलेनाथ के नगरी, मतलब हमहन के नगरी काशी से सैफ खान। नमस्कार, मेरा नाम सैफ खान, मैं बनारस लल्लापुरा से आया हूँ और मुझे डांस संग्राम में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है और ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, बस रउआ लोगन का आशीर्वाद चाहिए। अच्छा लगा सैफ आपका परफॉर्मेंस, आपके एक्सप्रेशंस भी अच्छे लगे, आपकी एनर्जी भी अच्छी लगी, और आगे जाकर अगर आपको मौका मिला तो और भी अच्छा हो सकता है। Yes, ma'am. I'll give him 38. 38 नंबर मिल गए संभावना जी से तोड़ा के। साहब बाबू अब चला आवल जाओ श्वेता जी के लगे। श्वेता जी आपने बहुत अच्छा डांस किया। थैंक यू मैम। जब आपने शुरुआत की तो आप इतना फटाफट कर रहे थे, मैंने कहा ले एक और आया जो म्यूजिक के आगे भागने वाला है, मतलब ये भागेगा आप कहीं जाएगा, अब जाएगा अब जाएगा अब जाएगा, कहीं नहीं गया। थैंक यू। कितना नंबर देनी है श्वेता? 38। I'll give him 38. 38 नंबर तो के श्वेता जी भी दे देनी है। अब चला बड़की माई के लगे। वेरी गुड। थैंक यू मैन। वेरी गुड। स्पार्क था आप में, वो बिजली बोलते हैं ना ज्यादातर औरतों को बोलते हैं कि तुम्हारे में बिजली है, लेकिन तुम्हारे में भी मिली वो बिजली। अच्छा था, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। एक एक करके 9 धुरंधर आ चुकल हूँ महामंच पे और दिखा चुकल हूँ अपन जलवा, और अब जौने धुरंधर के हम बुलावे जा रहल बानी वे मंच पे जितना दिन रहले हर बार मजेदार परफॉर्मेंस दे के और सबकर दिल जीतत रहले
और संभावना जी के एकदम दिल में बैठ गए रहे, पीलिया हो गई के कारण उनके ही मंच छोड़ के जाए के पड़ल रहे, लेकिन आज फिर से उनके एगो मौका मिलल बा मंच पे आके अपने आप के साबित करे खातिर। जी हाँ, आकाश बाबू के। हाय, मैं हूँ आकाश। जितने बाकी धुरंधर हैं उन्हें कड़ी से कड़ी टक्कर दूं, मैं उसी जोश के साथ वापस आया हूँ, मंच में आग लगाना बाकी है। अभी बाकी है मेरे दोस्त। इतने दिनों के बाद मेरा आकाश वापस आया, मेरा ऋतिक रोशन वापस आया, पहले गले तो लगा लूं। आजा एकदम जल्दी से कचकचा के गले लगा लो। छोड़ दा अब। पर दिनेश जी, आपको क्यों जलन हो रही है? ना बल्कि मैं आकाश का इस मंच से एलिमिनेशन नहीं हुआ था, वो हार के नहीं गए थे, वो अपनी बीमारी से उनको जाना पड़ा, ये फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। तो मुझे तो पहले तो ये नहीं समझ में आ रहा कि इसको अपने आप को साबित करने की क्या जरूरत पड़ी, बट अगर साबित करने की जरूरत पड़ी और इसने वो किया तो हमारी कसौटी पे बहुत खरा उतरा ये। आकाश ने वो मुंह में पेट्रोल डाल के आग वहां लगाई, आग तो यहाँ पे लगी हुई है बुरी तरह से, तूने पूरे मंच पे आग लगा दी आकाश। सुपर परफॉर्मेंस। थैंक यू मैम। मैं 40 देना चाहती, इससे कम नहीं। 40 पे 40। श्वेता जी, कितना नंबर देनी है आप आकाश बाबू के? जिस तरह आकाश ने इतनी चीजों को झूठते हुए यहाँ पे जो स्पिरिट दिखाई और जो आके परफॉर्म किया, he deserve nothing less than 40. 40 पे 40 दे देली श्वेता जी भी तोहरा के। अब चलल जाए बड़की माई के लगे। बड़की माई, कैसन लगल है आपके? मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से रिदम चेंजेस किए आपने। थैंक यू मैम। पहले स्लो, फिर फास्ट, अगेन स्लो, ये मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आप बहुत सक्सेसफुली ट्रांसफर आराम से करते गए और स्ट्रेन नहीं था आपके फेस पे, सबसे बड़ी बात वो। थैंक यू मैम। कि अपना दुख बाहर नहीं दिखाया कि आप कितनी तकलीफ से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं। दैट्स ब्यूटिफुल। मास्टर जी, एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, इस लड़के ने मुझे ऑलमोस्ट एवरी डे फ़ोन किए हैं,
हेल्थ जानने के लिए मैंने कई बार फ़ोन किया, लेकिन इसकी जो डिटर्मिनेशन इसके फ़ोन कॉल्स में दिखती थी ना, मैम मुझे वापस आना है और मुझे करके दिखाना है, ये ऐसा डांस करना इज़ नॉट ईजी। आई वॉन्ट कि लोगों को भी ये चीज़ रियलाइज़ हो कि ये जो कर रहा है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ये वाकई ईजी चीज़ नहीं है, और इसकी जो डिटर्मिनेशन है उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि ऐसा भी कर सकता है कोई, मतलब इससे मुझे बहुत सीख मिली है। डेफिनेटली आकाश बाबू, आज तोहके दोबारा मौका मिलल है, तू अपने गलती से यहाँ से ना गई रह, तोहके एक बीमारी की वजह से जाए के पड़ल रहे, लेकिन आज जब तोहके मौका मिलल है तो तू साबित कैला है, दोनों कप्तान और बड़की माई के दिल जीतला है। हम भी तोहरा के शुभकामना देता नहीं, और अब हम चाहब कि आप अपन स्थान ग्रहण करें। एक एक करके 10 योद्धाए मंच पे आ चुकल हुए, लेकिन जेकर परफॉर्मेंस रही हर बार मजेदार, उहे बनी ये महामंच के महाविजेता, और ओकरा के दिहल जाई 11 लाख रुपया और एक शानदार डेसाई बाइक। अब मात्र एक धुरंधर बचल हुआ, ओकरा बाद ही फैसला हो जाई कि आज कौन तीन गो धुरंधर हुए जवन ये मंच के छोड़ के जाइए, तो हमनी के वो आखिरी परफॉर्मेंस भी देखल जाई। रउआ सब कहीं जाई मत, कहे कि वो हर सपना जौना में बसेला प्राण, वो हर सपना जौन भरेला उड़ान, वो हर सपना जौन होखेला चट्टान, ओकर आखिरी मंजिल है संग्राम।